this. सवात में मंगौरा बस स्टैंड के करीब खुदकुश धमाका हुआ जिसमें 5 अफराद जान बहक और 28 जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। मंगौरा में कर्फ्यू भी नाफिज कर दिया गया है। मंगौरा बस स्टैंड के करीब खुदकुश दहशतगर्द ने खुद को धमाके से उड़ा दिया जिससे 5 अफराद जान बहक और 28 जख्मी हो गए। जख्मियों को सैदो शरीफ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया जहाँ उन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है। बाज़ जख्मियों की हालत तश्वीशनाक बताई जाती है। धमाके से 5 गाड़ियां भी तबाह हो गई जबकि कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया है और इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। सवात के इलाके मंगौरा में जनरल बस स्टैंड के करीब होने वाले खुदकुश धमाके के बारे में बात करेंगे एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे शीरी ज़ादा से। शीरी ज़ादा, क्या सूरत हाल है इस वक्त? जख्मियों की हालत कैसी है और जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने क्या कार्रवाई की है इस वाके के बाद? असद, ऐसा है कि जख्मियों की तादाद जो है ना वो 58 तक पहुंच गई है और यहाँ पर मलकन डिवीजन डीआईजी मलकन डिवीजन कादी जमीलुर रहमान और स्वात मीडिया सेंटर के तर्जुमान मेजर नासर ने मुश्तरका तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इसमें 58 अफराद जो है ना वो जख्मी हो गए हैं, 5 जो है ना वो जान बहक है, एक खातून समेत जिनका ताल्लुक जो है, 2 जो है ना वो गुजरावाले से इनका ताल्लुक है, एक का पिशावर से और एक का चारसद्दा से, एक यहाँ पर लोकल है। तो इसी तरह यहाँ पर 5 अफराद जान बहक हुए और 58 जख्मी है। इसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा कर लिया। वहाँ पर कुछ देर के लिए कर्फ्यू नाफिज कर दी गई थी ताकि वहाँ के इलाके का सफाई कर दिया जाए और वहाँ पर मौजूद जो एलिमेंट्स है उसको गिरफ्तार भी किया जाए। अभी तक सिक्योरिटी फोर्सेज ने 5 मुश्तबा अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया है और यहाँ पर इमदादी कार्रवाई जारी है। 5-6 जो जख्मी है शदीद उनको पिशावर के लेडीज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तो शहजादा, जो जाय वकुआ है उसको क्लियर कर दिया गया है और जो खुदकुश हमलावर था, अमूमन ये होता है कि सर मिल जाता है उसका, क्या उसका कोई उसकी शिनाख्त हो सकी है? हाँ, अभी तक जो है ना यहाँ पर जो ऑफिशियली काजी जमीलुर रहमान जो डीआईजी मलकन डिवीजन है उन्होंने कहा है कि हम अभी तक इसको कन्फर्म नहीं कर सकते कि ये खुदकश बम धमाका था या रिमोट कंट्रोल था या आईडी था, लेकिन जैसे जैसे तहकीकात होंगे इसके बाद इसके बारे में बताया जाएगा। लेकिन इनिशाई दिन और वहां पर लोगों का कहना है कि ये खुदकश बम धमाका था और वहां पर खुदकश हमलावर के टांगे भी मिल चुकी है। इस हवाले से ये इत्तलात है। स्वात मीडिया सेंटर के तर्जुमान मेजर नासर का कहना था कि यहाँ पर जो धमाका हुआ है ये बिल्कुल बेगुनाह अफराद को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। हमने यहाँ पर मजबूत इंतजाम किए हैं और दहशतगर्दों को ऐसा मौका हम नहीं देंगे कि वो या हमें टारगेट करे या आवाम को टारगेट करे। उन्होंने कहा कि कालाम में जारी अमन मेला बदस्तूर जारी रहेगा। उन्होंने सयाहों और पाकिस्तान के आवाम से अपील की कि वो यहाँ पर आना चाहते उनको मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी फराहम कर दी गई है और यहाँ पर जो मंगौरा में कुछ 12 तारीख को जो अमन मेला था वो यहाँ पर खत्म। ठीक है, बहुत शुक्रिया शीरीनज़ादा आपका। उधर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन ने मंगौरा जनरल बस स्टैंड पर खुदकुश बम धमाके की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत की है और सानहे में बेगुनाहों की हलाकत